हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पल्स क्या होती है, फिजियोलॉजी है, रेगुलेशन क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और उसका फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं पल्स को। आज की क्लास में अपन देखेंगे असेसमेंट ऑफ पल्स, ठीक है, इसमें असेसमेंट ऑफ पल्स और अल्ट्रेशन इन पल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। असेसमेंट ऑफ पल्स, असेसमेंट ऑफ पल्स कैन बी असेस्ड बाय द टू मेथड। दो मेथ जो टू मेथड होते हैं ना, उसे क्या कर सकते हैं अपन, असेस करते हैं पल्स को। एक तो पाल्पेशन और सेकेंड मेथड कौन सा होता है, ऑस्कल्टेशन। ठीक है, ऑस्कल्टेशन। पाल्पेटेशन से क्या करेंगे हम, पल्स को पाल्पेट कर सकते हैं। पाल्पेटेशन इज ए नथिंग, पाल्पेटेशन क्या है, इज ए नथिंग बट यूज टू हैंड एंड फिंगर टू गेदर द इंफॉर्मेशन थ्रू द टच। अपन टच के थ्रू क्या कर सकते हैं, जैसे फिंगर और हैंड का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं टच करके किसी भी चीज़ को, उसको अपन बोलते हैं पाल्पेटेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में दो फोर मेथड पढ़े थे, परकशन, पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन। ठीक है, फोर मेथड थे जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन पाल्पेटेशन का यूज़ करते हैं, वैसे इसमें भी है कि भाई फिंगर और हैंड का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, डाटा गैदर, उसी को अपन पल्स जैसे पाल्पिटेशन कहते हैं। फिर आ गया, पल्स इज ए नॉर्मली पाल्पेट बाय द अप्लाइंग द लाइट प्रेशर विथ थ्री मिडल फिंगर हैंड एक्सेप्ट द अपेक्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन पल्स को, अपन क्या कर सकते हैं, लाइट प्रेशर अप्लाई करके विथ थ्री फिंगर का यूज़ कर अपन क्या कर सकते हैं, पल्स को पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, पल्स इज अ रेगुलर काउंट 30 सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाई टू इफ द पेशेंट इज इरेगुलर काउंट फॉर अ मिनट। इसमें बताया कि जो अगर पल्स रेगुलर है, जैसे क्या हो, किसी के पल्स इरेगुलर होती है, किसी के पल्स रेगुलर होती है, अगर पल्स रेगुलर है तो अपन उसको क्या करेंगे, 30 सेकेंड के लिए पल्स को फील करके काउंट करेंगे, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि अगर अपन 30 सेकेंड मतलब एक मिनट में कितना 60 सेकेंड होते हैं, अगर 30 सेकेंड भी अपन काउंट करते हैं तो उससे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो उसका जो नॉर्मल रेंज होगी वो आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें दे रखा है इफ़ इट इज़ अ इरेगुलर पल्स, अगर इरेगुलर है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको पूरे एक मिनट के लिए अपन काउंट करेंगे। ठीक है, फिर इसमें थंब शुड बी नॉट बी पाल्पेट बिकॉज द थंब इज़ अ पल्स, मे बी वी मिसटेकन जो क्लाइंट विद अ पल्स। कभी भी अपने को क्या करना है, जैसे ये थ्री फिंगर का यूज़ ले रखा है मिडिल फिंगर का, अपने को कभी भी थंब वगैरह से यूज़ में नहीं लेना है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये हैंड है किसी का, ठीक है, ये थंब हो गया, ये इस पर फिंगर से फील कर रहा है। ठीक है, इसमें हमें कभी भी ये थंब का यूज़ नहीं लेना, क्योंकि अगर अपन थंब का यूज़ लेते हैं ना, तो क्योंकि थंब्स में भी क्या होने लग जाती है, एक तरह से पल्स फील होती है, क्योंकि अगर थंब्स में फील होगी तो फिर वो क्या पेशेंट क्या उसको मिस्टेक होने लग जाएगी पल्स फील करने में, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन आने लग जाएगा, क्योंकि वो पल्स ढंग से फील नहीं हो पाएगी, उसे लगेगा थंब वाली पल्स को ही उसे लगेगा ये पल्स है। ठीक है, फिर अपन ऐसे कौन सी जो कॉमन जो साइट होती है जिसे अपन पल्स का पल्स लेते हैं चेक करते हैं, तो उसमें एक कॉमन साइट है। ठीक है, मैं एक और डायग्राम बता देता हूँ आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे ये हो गई, इसमें अपन देख सकते हैं ये टेम्पोरल पोर्शन पे, ठीक है, ये कौन सी पल्स है, टेम्पोरल पल्स, आई समझ में, ये टेम्पोरल पल्स है, ये कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, जो ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ गई एपिकल पल्स, जो क्या है, एपेक्स ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट रहती है। फिर यहाँ पर अपन ब्रेकियल पल्स को फील कर सकते हैं, रेडियल पल्स, फीमोरल पल्स जो फीमोरल के यहाँ से निकलती है, और पोपलेटल आर्टरी मतलब जो नी के जो बैक साइड में होता है ना, उससे अपन पोपलेट, फिर पेडल पल्स को भी अपन फील कर सकते हैं अपन। फिर यहाँ पे आ गई जो पोस्टीरियर जो टीबियल पल्स, टीबियल आर्टरी है, वहाँ से भी अपन पल्स फील कर सकते हैं। तो ये कॉमन साइट होती है पल्स की। अच्छे से आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसमें भी ये दे रखा है, जैसे कैरोटिड, ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर, फीमोरल, पोपलीटल, पोस्टीरियर, टेबल और डोर्सल पेडिस। ठीक है, ये होती है कॉमन साइट होती है पल्स को चेक करने की। फिर अपन सेकंड मेथड आता है उसका टेंशन मेथड। फिर सेकंड मेथड आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू साउंड दैट जनरेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेशेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू साउंड दैट जनरेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेशेंट।
इसमें क्या होता है, जो साउंड इस ऑस्कल्टेशन के थ्रू अपन क्या करते हैं, साउंड को लिसन सुन सकते हैं, ठीक है। जो जनरेट होता है बॉडी ऑफ द पेशेंट की बॉडी से जो साउंड जनरेट होता है उससे अपन ऑस्कल्टेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। सुनने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप इज यूज टू असिस्ट द एपिकल पल्स। स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं एपिकल पल्स, विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द पल्स रेट। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जिससे अपन क्या करते हैं, साउंड को हीयरिंग करते हैं। स्टेथोस्कोप एक आर्टिकल है जिसका अपन यूज़ करके अपन क्या करते हैं, एपिकल पल्स जो होती है बेस ऑफ द अपेक्स ऑफ द हार्ट के यहाँ पे, उसको अपन क्या कर सकते हैं, असेस करते हैं। ये स्टेथोस्कोप से क्या होता है, एक पाल्पिटेशन से तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, फिर भी कभी कभी अल्ट्रेशन आ जाता है पल्स को फील करने में, पर इसमें स्टेथोस्कोप के थ्रू अपन क्या करता है, जो एक्यूरेट क्या करते हैं, पल्स रेट को अपन असेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है एपिकल पल्स इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स इज लोकेटेड एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट, सो नीड टू लोकेट द एपिकल पल्स, ठीक है। एपिकल पल्स क्या होती है, मैक्सिमम इम्पल्सेस होती है, क्योंकि एपिकल सबसे ज़्यादा इम्पल्सेस किस में होती है, एपिकल पल्स में होती है, लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द, ये क्या एपेक्स ऑफ द हार्ट के यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको अपन इसको एपिकल पल्स के लिए अपन क्या होता है, सो वी नीड द लोकेट एपिकल, हमें उसके लोकेशन के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए कि एपिकल पल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन से रिब्स के यहाँ पे या फिर कौन से पोर्शन पर प्रेजेंट होती है, बेस अपेक्स ऑफ द हार्ट पे कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसका देखते हैं अपन, लोकेट द स्टर्नम नॉच, इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द क्लेविकल एंड इट्स नॉच आउट द एरिया अबाउट द स्टर्नम, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे ये हो गई स्टर्नम नोच, ये एक खड्डा सा जो दिख रहा है ये स्टर्नम नोच है, ठीक है। उसके बाद में जो ये इसके नीचे जो ये थोड़ा सा हल्का सा डीप पार्ट जो दिख रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस, ठीक है। फिर अगर इसके लेफ्ट साइड में जाती है, यहाँ पर आती है क्लेविकल बोन, ठीक है। क्लेविकल बोन से उसमें क्या बताया था, सेंटर, तो सेंटर में अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे और स्टर्नम से थोड़ा सा अबव, तो ये इस पोर्शन पर स्टर्नम आ गया, तो स्टर्नम से थोड़ा सा अबव लेंगे तो उसमें क्या होता है, जो फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल होती है, जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, वहाँ पे क्या होती है, एपिकल पल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। आया समझ में, स्टर्नम नोच हो गया, ठीक है, स्टर्नम नोच हुआ, उसके बाद में क्या हो गया, जो लुईस ऑफ द बेंगल और फिर क्लेविकल बोन हो गई, मैं वापस, ठीक है। लोकेट द स्टर्नम नोच, इट लोकेट बिटवीन द क्लेविकल एंड नोट्स आउट द एरिया अबाउट द स्टर्नम, सो गो डाउन द स्लोली द फील ऑफ द फील फॉर हम इट ऑल्सो नोन द एंगल, मैंने बताया था कि जैसे स्टर्नम नोच हो गई, ठीक है। ये अगर यहाँ ये क्या हुई, स्टर्नम नोच हो गई, तो इसके अगर थोड़ा सा अपन नीचे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों ब्रेस्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या गड्ढा जैसा दिखता है, हम्प जैसा, तो उससे अपन बोल सकते हैं एंगल ऑफ लुईस, ठीक है। फिर द नाउ द स्लाइड योर फिंगर टू लेफ्ट क्लेविकुलर लाइन एंड फिंगर विल बी एट द सेकंड इंस्ट्रो, अपन थोड़ा सा इधर चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो इस हम्प के यहाँ पे क्या होगा, सेकंड जो इंटरकोस्टल मसल होगी वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस। तो अपन को क्या करेंगे, प्रोसेस डाउनवर्ड एंड रीच दैट फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल स्पेस लोकेशन द एपिकल, अगर थोड़ा सा अपन नीचे इस ये मिड क्लेविकल लाइन है, अगर थोड़ा सा अपन नीचे चलेंगे तो इसमें क्या होता है, फिफ्थ जो इंटरकोस्टल मसल होगी वहाँ पे क्या होगी, एपिकल पल्स फील होगी, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, लिसन द एपिकल पल्स यूजिंग द स्टेथोस्कोप फॉर वन मिनट, अपन क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ करके एपिकल पल्स को सुन सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे, इतनी देर से अपन क्या बोल रहे थे, स्टेथोस्कोप, तो एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप को जो क्या कर सकते हैं अपन, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उसका वर्क होता है, ठीक है, कैसे अपन उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टेथोस्कोप, तो मैंने थोड़ा स्टेथोस्कोप का आइडिया बता देते कि स्टेथोस्कोप का डायग्राम कैसा होता है उसका, तो एयर पीस, बाइन्यूरल ट्यूबिंग और चेस्ट पीस, ये फोर, ये स्टेथोस्कोप हो गया, जिसमें स्टेथोस्कोप का पार्ट है, ये हो गया ईयर पीस, जिसको अपन क्या करते हैं, ईयर में पूरे तरह वेल फिट करते हैं अपन ईयर में, और ये हो गया उसका बाइन्यूरल स्पेसिंग, जो क्योंकि अब ये क्या करता है, अगर दोनों ईयर पीस अगर लगा है प्रॉपर पोजीशन में लगा, तो ये एक तरह से अपन बाइन्यूरल स्पायरिंग की तरह काम करता है। फिर आ गया, ये हो गया ट्यूबिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये ट्यूबिंग, ट्यूबिंग से क्या होता है, जो ईयर पीस से जो साउंड आता है वो ट्यूबिंग के थ्रू क्या कहाँ से जाता है, जो बेल और
सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, जो बेल और यहाँ से क्या होता है डायफ्राम जो साउंड आता है वो क्या करता है ट्यूबिंग के थ्रू क्या करता है ईयर पीस में होकर हमें सुनाई देता है। फिर ये आ गया जो नेक्स्ट पार्ट हो गया इसका स्टीम, ये जो यहाँ पे बेल का जो पार्ट होता है ये हो गया स्टीम हो गया। फिर जो यहाँ पे ये ऊपर की साइड पे तो बेल बोल सकते हैं और नीचे की साइड पे अपन डायफ्राम बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक रिंग शेप का होता है, आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है। ये चेस्ट पीस हो गया, ये डायफ्राम हो गया, ये बाइनोरल ट्यूब ट्यूबिंग हो गई, ठीक है, आया समझ में। अब इसका अपन थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टेथोस्कोप एंड इट्स पार्ट। इसके अपन पार्ट देखेंगे, ये अपन ने जो डायग्राम में देखे थे वो कौन कौन उसका क्या क्या यूज़ है। जैसे फर्स्ट में आ गया ईयर पीस, इट शुड बी फिट प्रॉपरली इनटू द ईयर, मतलब ईयर पीस को हमेशा फिट करना है बिल्कुल प्रॉपरली, वो कहीं से बाहर नहीं निकल रहे हो या कहीं इधर नहीं हो, ठीक है, उसको प्रॉपर ईयर में क्या करना है फिट करना है। फिर आ गया बाई न्यूरियल, दे शुड बी पोजिशन एट द करेक्ट एंगल टू प्रॉपरली फिट इन टू द ईयर कैनाल। बाइनोरियल क्या होगा, अगर इसकी करेक्ट एंगल होगा पोजिशन का तो वो क्या इसका मीन्स जो ईयर कैनाल में अच्छे से फिट हो गया, ठीक है। फिर आता है ट्यूबिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द साउंड पीक अप टू द चेस्ट पीस। ये क्या करता है, जो चेस्ट पीस जो साउंड आता है वो क्या करता है ट्रांसमिट करता है रिस्पॉन्सिबल होता है। चेस्ट पीस क्या होता है, चेस्ट पीस जो मैंने बताया था जैसे ये इस टाइप का होता है, मैं तो बताती हूँ चेस्ट पीस क्या होने लग जाता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। इस पर क्या होता है पीछे, ये इस पर डबल होता है, ये पीछे की साइड तो बेल होती है, ये पीछे की साइड बेल होती है और नीचे की साइड इसमें क्या होता है, ये नीचे की साइड यहाँ पर क्या होता है डायफ्राम होता है, ठीक है। इस कंसिस्ट ऑफ द बेल एंड डायफ्राम, ये क्या कंसिस्ट होता है बेल और डायफ्राम से बना होता है। डायफ्राम इज अ सर्कुलर एंड ऑफ द चेस्ट पीस, डायफ्राम क्या होता है सर्कुलर एंड होता है और ये लार्जर होता है देन बेल से, और ये क्या करता है ट्रांसमिट करता है हाई पिच साउंड को, जैसे बोवेल साउंड हो गया, लंग साउंड हो गया, हार्ट साउंड हो गया। डायफ्राम साइड इज नॉर्मली यूज, और इसमें डायफ्राम साइड ऑफ द नॉर्मली यूज़ इन एडल्ट पेशेंट, मतलब जो डायफ्राम साइड होता है जो अपन क्या करते हैं जो एडल्ट पेशेंट होता है उसमें यूज़ करते हैं। बेल इज चेस्ट पीस ट्रांसमिट द लो पीच साउंड क्रिएट बाय द लो वेलोसिटी मूवमेंट ऑफ द ब्लड। बेल साइड इज बेस्ट फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट और थिन पेशेंट, मतलब जो डायफ्राम का अपन की साइड से यूज़ करते हैं जो हेल्थ जो नॉर्मल एडल्ट होता है ना उसमें यूज़ करते हैं, पर जो बेल साइड अपन कभी भी अगर ईयर साउंड जो यूज़ करेंगे ना वो क्या होता है एक सर लो पिच साउंड होता है जो लो वेलोसिटी का होता है, ठीक है। तो अपन उसमें ये है पीडियाट्रिक और जो थिन पेशेंट होते हैं ना उसमें बेस्ट साउंड हियरिंग होता है अपने को, तो वो चीज़ है। डायफ्राम की साइड से कब यूज़ करेंगे जो एडल्ट पेशेंट होगा तब यूज़ करेंगे, और बेल की साइड से कब यूज़ करेंगे जब होगा पीडियाट्रिक पेशेंट हो गया या फिर कोई बहुत थिन पेशेंट हो गया उसमें यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, इसमें पल्स कंप्लीट हो गई है वाइटल साइंस में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन बीपी पढ़ेंगे, ठीक है, आया समझ में कि पल्स क्या होती है, ठीक है। इसमें पल्स पढ़ी थी कि अल्टरनेट जो एक्सपांशन और रिकॉल ऑफ द आर्टरी उसको अपन बोलेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर आ गया फिजियोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है एसए नोड को, ठीक है। फिर इसमें पल्स रेट, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, रिदम, टेंशन एंड इक्वालिटी देखी थी। उसके बाद अपन देखेंगे अल्ट्रेशन इन पल्स, कि अल्ट्रेशन इन पल्स में क्या क्या आते हैं। टैकीकार्डिया कब बोलेंगे, जब हार्ट रेट अबाउ द 100 बीट पर मिनट, इसको जब हार्ट रेट क्या होने लग जाएगी 100 बीट पर मिनट होने लग जाएगी तब अपन उसको बोलेंगे टैकीकार्डिया, ठीक है। ब्रैडीकार्डिया कब बोलेंगे, जब रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होने लग जाए 60 से बिलो होने लग जाएगी तब अपन उसको बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया। डिसअरिथमिया कब बोलेंगे, जब अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट बीट, बिल्कुल अब रिदम क्या होने लग जाए अबनॉर्मल होने लग जाएगी हार्ट बीट की तब उसको अरिथमिया बोलेंगे। एब्सेंट पल्स कब बोलेंगे, नो पल्सेटिंग फील डिस्पाइट एक्सट्रीम प्रेशर, जब भी किसी पेशेंट को CPR देते हैं तो अपन उसको क्या करते हैं तरह से CPR देते हैं तो उस वो कॉन्शियस कंडीशन अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, तो अपन क्या कर सकते हैं उसका बिल्कुल एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के भी अगर अपन उसको फील करेंगे फिर भी उसको पल्सेशन फील नहीं होगा, ठीक है। तब
तब अपन उसको बोल सकते हैं एब्सेंट पल्स। इंटरमीडिएट पल्स का बोलेंगे इज यूज इन द ओकेजनली मिस्ड बीट ड्यू टू प्रीमैच्योर एटेंड वेंट्रिकुलर। इसमें क्या ऑन लग जाएगा, पल्स क्या ऑन लग जाएगी, एक बार आएगी फिर वापस। ओकेजनली क्या ऑन लग जाएगी, मिस होने लग जाएगी। तो उसकी किसकी वजह से मिस हो सकती है, प्रीमैच्योर आर्टेरियल हो सकता है या फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, प्रीमैच्योर हो रहा, तब अपन उसको बोलते हैं तब वहाँ पे क्या होने लग जाए, और जो पल्स क्या होने लग जाएगी वो मिस होने लग जाएगी। फिर आ गया साइनस अरेथमिया। साइनस अरेथमिया क्या होता है, इसे कंडीशन इज द पल्स रेट इज रैपिड ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड स्लो ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। मतलब जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं ब्रीथ इन करता है, इंस्पायर करते हैं, अगर ब्रीथ इन करते हैं तो वहाँ उस टाइम क्या होने लग जाती है, जो पल्स रेट क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। और स्लो कब, जब पल्स स्लो होगी, जब क्या होगा, जब अपन सांस को छोड़ते हैं ना, तब उस पल्स रेट क्या होने लग जाएगी, स्लो होने लग जाएगी। मतलब ये है कि साइनस अरेथमिया में कि पल्स रेट क्या इंक्रीज कब हो जाए, मतलब रेपिड फास्ट कब होने लग जाएगी, जब इंस्पायरेशन होगा, जब अपन सांस को अंदर लेंगे, जब अपन सांस छोड़ते हैं ना उस टाइम पर क्या होने लग जाएगी, पल्स रेट स्लो होने लग जाएगी। ठीक है, आया समझ में। फिर अपन देखें पल्स अल्टरनेट्स, इसमें आर्टेरियल पल्स विद द अल्टरनेट स्ट्रॉन्ग एंड वीक पल्स। यही है कि इसमें क्या होने लग जाएगी, एक बार तो पल्स क्या होने लग जाएगी, एक बार इसमें क्या होने लग जाएगा, जैसे पल्स में देखा था कि एक बार तो क्या होने लग जाएगा, एक्सपांशन होगी और अल्टरनेट रिकॉल होगी, ये रिदमिक पीरियड में चलेगा। तो एक बार तो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग पल्स सुनाई देगी, एक बार वीक पल्स सुनाएगी, एक बार स्ट्रॉन्ग पल्स बीट सुनाएगी, एक बार वीक पल्स, ये क्या होता है, अल्टरनेट में चलता रहता है। फिर आएगा बाउंडिंग पल्स, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पल्स दैट डज नॉट डिसअपेयर विद द मॉडरेट प्रेशर एंड ड्यू टू द फोर्सफुल हार्ट बीट। बाउंडिंग पल्स में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग पल्स होती है वो डिसअपेयर नहीं होती है, बट मॉडरेट प्रेशर, कोई भी मॉडरेट प्रेशर या फिर फोर्सफुल हार्ट बीट की वजह से। ठीक है, फिर आता है पैराडॉक्सियल पल्स, स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स वेव वेरीज फीलिंग ऑफ वीकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। जब पल्स, जैसे उसमें साइनस अरेथमिया पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे रैपिड हो जाती है, एक्सपायरेशन के टाइम पे स्लो हो जाती है। तो ऐसा ही है कि पैराडॉक्सिक पल्स में भी क्या होता है, उसकी जो पल्स की स्ट्रेंथ वेव होती है ना, वो क्या होने लग जाती है, वेरीज होने लग जाती है और वीकर ड्यूरिंग द इंस्पायर, वीक होने लग जाती है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। उसकी स्ट्रेंथ क्या होने लग जाती है, वीक होने लग जाती है। इसमें आज अल्टरेशन ऑफ पल्स आया समझ में सभी को। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होती है। अब आज आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो पल्स का वीडियो या फिर कोई भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।